नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है, सी गाइस। हिंदी में बायोडाटा। ओके सत्यम, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जी मैम, हमारा नाम सत्यम है। और एक मिनट, आपके साथ कोई और भी है क्या? नहीं, मतलब आप हम बोल रहे हैं ना सर? वो हमारी तरफ मैं को अहम सूचक शब्द माना जाता है, तो इसलिए हम का इस्तेमाल करते हैं। What did you say? I am? I am नहीं मैम, अहम, ईगो। तो सीधा ईगो भी तो बोल सकते हो, इतने भारी भारी शब्द यूज करके क्या दिखाना चाहते हो? भारी शब्द नहीं है सर, हिंदी है हमारी राजभाषा। Official language, right? Yes मैम। बट हम ऑफिशियल लैंग्वेज में काम नहीं करते ना, हम बिजनेस लैंग्वेज में काम करते हैं। और तुम्हारे रिज्यूमे को देखकर लगता है कि तुम्हारा हिंदी लव कुछ ज्यादा ही है। तो क्या लगता है कैसे मैच कर पाओगे हमारे एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल को? ऐसी बात नहीं है सर, हिंदी की भी अपनी एनर्जी है, अपना कॉन्फिडेंस है, और हमें तो गर्व होना चाहिए हिंदी भाषा में बात करने पर। तुम्हें गर्व होगा हिंदी बोलने पर, बट हमें तो काफी कन्फ्यूजन हो रही है। इवन तुम्हारे बोले हुए वर्ड्स तो मेरे सर के ऊपर से निकल गए। नहीं मैम, ये सब प्रयास और अभ्यास की बात है। अगर आप थोड़ा प्रयास करें और अभ्यास करें तो आप भी बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं। बट मैम क्यों बोलेंगी हिंदी, या हम हिंदी क्यों बोलेंगे? जब हमारा काम इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी क्यों बोलेंगे? सर अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व करने के लिए। क्या गर्व करें हिंदुस्तानी होने पर? वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85 नंबर पर आने के लिए, या फिर वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन के लिस्ट में नंबर 1 आने के लिए? सिर्फ हिंदी बोल लेने से आप हिंदुस्तानी होने पे गर्व नहीं कर सकते हैं। मैम आप इन आंकड़ों से रुष्ट हैं या चिंतित हैं? नॉट अगेन यार, आपको अपने हिंदी बोलने पर प्राउड होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इस कंपनी में हम आपको समझ पाएंगे और आप हमें। सो आई थिंक वी आर सॉरी। Yes ma'am, completely agree with you. But before leaving, I would like to say one thing to you, that we have many reasons to be frustrated about the conditions of our country. Are you trying to make fun of us? जब आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी में बात क्यों कर रहे हैं आप? Exactly. आपने अभी कहा था कि हमारी बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है, पर यहाँ तो आप सभी सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, तो यहाँ हिंदी में बात क्यों नहीं कर सकते? क्या इंटेलिजेंट होने की निशानी यही होता है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना? सर यही कारण है कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते। उनको लगता है कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो हिंदी भाषी हो जाएगा। आज लोग आपको हिंदी बोलने पर अल्पज्ञानी, पिछड़ा मान लेते हैं। सर ये बड़े बड़े एसी रूम में फर्राटेदार इंग्लिश में समस्याओं की बात तो होती है, पर उनका उपाय हिंदी में है सर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोडक्ट तो विदेशी होते हैं, पर उनको खरीदने वाले हिंदुस्तानी, 140 करोड़ भारतीय, जो अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी भाषा को समझते हैं। सर आप जानते हैं कि आज हर तीसरी चीज पर मेड इन चाइना क्यों लिखा होता है? क्योंकि वहां के लोगों ने अपने देश और अपनी भाषा को प्राथमिकता दी है। क्योंकि पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देना तो उसके फल फूल पत्ते सब नष्ट हो जाते हैं। सर अंग्रेजी और हिंदी का गड्ढा खोदकर हमने अपने ही लोगों में इतनी दूरी बना ली है, और यही हमारी विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है। सर आज तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी अपनी ऐप में हिंदी भाषा को इस्तेमाल करने लगी हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा को बोलना अपनी शान समझते हैं। मैम मैं भारतीय हूं, मेरी पहली बोली हिंदी है। मैं बेवजह अंग्रेजी बोलकर अपने आप को विदेशी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता। सर हिंदी के लिए नहीं, अंग्रेजी के लिए दो दवाई है। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं।